हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो पहला पॉइंट है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक कला से पूर्व की कला। तो अगला पॉइंट है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र में हुई? तो किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर में। दोस्तों ये भीमबेटका का गुफा चित्र है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो अंग्रेज़ों को जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो दोस्तों आर्चीव वाल कार्लाइव ने 1880 में ईस्वी में, तत्पश्चात उसके बाद कार्क बर्ने 1883 ईस्वी में की। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष का है? तो दोस्तों भारतीय चित्रकला का इतिहास 7,000 वर्षों का है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? आदिकाल की चित्रकला कब मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछ चुका है और आगामी आने वाले एग्जाम्स में पूछने की संभावना है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक इसकी है, तो स्टुअर्ट पिगाट जो कि एक ब्रिटिश पुरातात्विक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं कहाँ से? मिले हैं जेरिको से। अगला पॉइंट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम यानी पहला साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी या जो कि मध्य प्रदेश पड़ता है के हथनौर नामक स्थल से मिला है साक्ष्य। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया। मतलब जो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य इन्हीं को ही जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों तीन भागों में विभाजित किया गया है। वह तीन भाग इस प्रकार हैं, तो हम इन तीन भागों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला भाग जो है जिसको कहते हैं पूर्व पाषाण काल, मेगालिथिक एज, जो इसका कालखंड है वो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। दूसरा जो काल है मध्य पाषाण काल, जिसे मीसोलिथिक एज कहते हैं, यह 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। तीसरा जो आता है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कहते हैं, हम इसे नियोलिथिक एज भी कह देते हैं, तो यह 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 अथवा 3,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। तो चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से पहले पॉइंट को, जिसे पूर्व पाषाण काल यानी मेगालिथिक एज कहते हैं। तो पहला पॉइंट है पूर्व पाषाणकालीन मानव कहाँ रहता था? तो पूर्व पाषाणकालीन मानव प्राकृतिक रूप से निर्मित जो गुफाएँ होती थी वहाँ वह रहता था, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं था, वो कहीं भी ऐसे ही घूमते रहते थे, तो बारिश के समय में वो इन गुफाओं में रहना शुरू किए थे। तो अगला पॉइंट है मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? तो मानव प्लाइस्टोसीन जो युग था
के प्रारंभ में अफ्रीका में आया था। तो अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं हम। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। तो मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युग के कोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, सोहन नदी घाटी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण मिले हैं। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाणकालीन मानव था क्या था? वह शिकारी और खाद्य संग्राहक था। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो वह क्वार्ज़ाइट के पत्थर से बनाता था। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार और हथियार थे तो क्या थे? हैंड एक्स थे, क्लीवर था और स्क्रैपर था। तो ये तीन जो उनके प्रमुख हथियार थे। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा, मतलब मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से मिली है? दोस्तों, बेलन की घाटी से मिली है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने कब और कहाँ की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी मद्रास के निकट पल्लावरम में की थी। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युग मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो पूर्व पाषाण युग के जो मानव थे दक्षिण भारत में, अंगोला चिंगलेट पुट तथा कुड़ापा में निवास करते थे। तो दोस्तों चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। पूर्व पाषाणकालीन जो मानव था, किस नाम से उसे पुकारा जाता था? तो उसे क्वार्टीजाइट मनुष्य कहकर पुकारा जाता था। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ था। तो अगला जो पॉइंट है, मेसोलिथिक जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, तो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। भारत में पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब और कहां प्राप्त हुई? तो दोस्तों, यह सी एल कार्लाइल द्वारा 1867 में विंध्यन क्षेत्र से प्राप्त हुई। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार थे तो किस कैसे थे, किस तरह के थे? माइक्रोलिथिक छोटे औजार थे। ठीक, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ तो अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन है? भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर है। ठीक, अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम सवाधान की राह प्रक्रिया शुरू की गई किस काल में की गई? दोस्तों, मध्य पाषाण काल में सवाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। अगला पॉइंट पे चलते हैं। गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण काल की पूरा स्थल जहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो उसका उत्खनन HD संकालिया ने करवाया था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अगला पॉइंट है, मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए, मतलब मानव अस्थिपंजर वो किस काल से मिलने प्रारंभ हो गए थे? वह है मध्य पाषाण काल। अगला पॉइंट है, मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और मदहा से। अगला पॉइंट है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है?
जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। तो यह मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल को। तो पहला पॉइंट है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीनतम बस्ती कहाँ प्राप्त हुई? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम जो बस्ती है वो हमें मेहरगढ़ संप्रति या पाकिस्तान के वहाँ से, कहाँ से? बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो वह अब पालिशदार हथियारों के का यूज करने लगे थे। अगला पॉइंट है, नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो पत्थर की कुल्हाड़ी अत्यधिक प्रयोग में लाई जाती थी। अगला पॉइंट है, मनुष्यों में अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो दोस्तों अस्थायी निवास करने की जो प्रवृत्ति है वह नवपाषाण काल से शुरू हो गई थी। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है, उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास या गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह बुर्जहोम तथा कुफकराल कश्मीर प्रांत में स्थित है, वहाँ से प्राप्त होती है। भारत में प्राचीन मात्रा में हड्डी के उपकरण या हिरण के सींगों का कहाँ से पाए गए? तो चिरान, जो कि पटना के पास है। अगला पॉइंट है, कहाँ के कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफना जाते थे? तो बुर्जहोम में, तो वहाँ कब्रों में कुत्ते अपने मालिक के साथ दफना जाते थे। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, किस काल के मानव सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में शुरू की गई थी और पहिए का आविष्कार भी इसी काल से माना जाता है। कहाँ से? नवपाषाण काल से। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से ही कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल थी गेहूँ, और इसके बाद दूसरी फसल अगर पूछेगा आपसे तो आप क्या बताएंगे? जौ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा से प्राप्त होता है। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना प्रारंभ किया? तो यह बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? तो वह नवपाषाण काल का मानव मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कर दिया था। अगला पॉइंट है, नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था तो कौन था? बेलारी था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, नवपाषाणकालीन एक गड्ढा हुआ गोला यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग शुरू किया? चित्रकला बनाना नवपाषाण काल के मानव ने शुरू कर दिया था। पालिस लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ है? तो यह भी नवपाषाण काल के युग में